एवं कोई गलती का दुश्मन है। विद्यार्थियों के जीवन में अनुशासन इतना ही महत्व है जितना विद्यार्थियों के जीवन में अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेन यहाँ पर क्या ध्यान देना है, जो शुरुआत और एंडिंग क्या होती है ना, अपन स्कूल में देखते रहे, देखो ना लास्ट में टीचर जो बड़े बुजुर्ग वाले टीचर होते क्या बोलते, यही कहते हैं अपने शब्दों में अपनी वाणी को विराम दूंगा, बोलते हैं कि बोलते हैं मैं अपने शब्दों को पुनः उत्पन्न करूंगा, ऐसे बोलते ना डायलॉग, जिसे भी मेरे पास है तो वो कोई वाला सुनना नहीं चाहिए, मेरा मन में आज बोलते हो। देखो ये मौका ऐसा है स्कूल का जहाँ आपको मौके मिलते हैं बोलने के लिए, सीखने के लिए, समझ आए मेरी बात, पब्लिक स्पीकिंग यही से सीखने को मिलती है। बोलो आप, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण है, यदि विद्यार्थी में अनुशासन है तो वह आगे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अगर विद्यार्थी को सफल होना है तो उसके जीवन में अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनुशासन ही विद्यार्थी के जीवन की अगली कड़ी है। अगर वो विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन है तो आगे सब कुछ कर सकता है, अपने कैरियर बना सकता है। अगर उसका कैरियर बनाना है तो वो अनुशासन ही महत्वपूर्ण, अनुशासन के बिना विद्यार्थी का जीवन अधूरा है। अगर विद्यार्थी अनुशासन रखता है तो आगे उसकी जान पहचान होती है, सभी गुरुजन भी उसके बारे में बहुत कुछ बोलते हैं और उसका कैरियर भी अच्छा रहता है। डन, अब इसको एंडिंग कर लो, खत्म कर लो, इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, धन्यवाद। सर आप पढ़ाने क्या आए हो, यहाँ पर बातें भी कर रहे हो, पंचायती शुरू करो, टीचर्स डोंट नीड टू स्पीक एनीथिंग, स्पीच 7 नंबर का टॉपिक है, कितने नंबर का टॉपिक है, 7 नंबर का। अब बताओ सबसे बड़ी बात, हिंदी में बोलने की बात आ रही है, अपन से हिंदी में नहीं बोला जा रहा है, प्रवीण को कोर्स कर रहे, प्रवीण यू आर प्रवीण, तो प्रवीण तू जा अपनी कॉपी में प्रवीण थोड़ी आई, अरे मारी बात समझ आ रही, मारवाड़ी समझ आ रही क्या, इंग्लिश बोलो मेरी बात समझ आ रही, 7 नंबर का टॉपिक और वर्ड कितने 100 वर्ड, कितने भाई इन्होंने तो लिखी 100 वर्ड, 10 वर्ड तो नहीं लिखे आते अपन से, क्या बच्चे लिखते हैं, सबसे बड़ी समस्या गवर्नमेंट वाले बच्चे हो भले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो, साइंस मैथ्स और इंग्लिश 3 सब्जेक्ट वाले पढ़ते बच्चों, तुम खुद देखते आए हो, कभी भी लैंग्वेज को सीखना है ना तो लैंग्वेज को ईजी तरीके से समझना, मतलब कैसे जैसे अपन बोलते हैं ना उसको वैसे ही समझो, जैसे अभी इन्होंने हिंदी में भाषण दिया तो आपने कोई जोड़ा वोड़ा कुछ नहीं होगा, एकदम नॉर्मल लैंग्वेज बोलता वैसे के वैसे आपको स्पीच बोले। अब बताओ कोई आते ही पहले क्या बोलेगा, सबसे पहले आदरणीय प्रधानाचार्य साहब बोलेंगे ऐसे, तो मेरे साथ बोलो ऑनरेबल प्रिंसिपल, ऐसे बोलो आवाज नहीं आई, रेस्पेक्टेड टीचर्स, ऐसे बोलो आवाज नहीं आई, respected teachers, and all my dear friends, पक्का याद हुआ, 3, 2, 1 बोलो साथ में, first of all, फिर से बताओ कौन सा वक्त है, मॉर्निंग है ना, बोलो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल ऑफ यू, फिर से बोलो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, एक बार और फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, फिर से फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, पक्का बोलो आई एम, आई एम, फिर से आई एम, फिर से आई एम, अपने अपने प्यारे प्यारे नाम बोलो, अपने अपने प्यारे नाम बोलो, सुमना कुमार, क्योंकि अपन को वर्ड लिमिटेड लिखना है, क्या लिखना है, लिमिटेड वर्ड लिखना है, समझ आ रही मेरी बात, क्योंकि अपने पास वर्ड लिमिट भी है, लिखना भी बड़ा है, अपन से इंग्लिश में दिक्कत आएगी, तो जो चीजें रट्टा मारने की है उनको सही से लिखना है, पॉइंट क्लियर हुआ, आप बाय डिफॉल्ट जो आपको नाम सही लगे वो नाम आप बोल देना, ठीक है, वहां पर अगर वहां पर नाम आया है तो वो नाम लिखना, वरना कोई भी नाम, ऐसे नाम कभी मत रखना एक्स वाई जेड, ऐसे होते ए बी सी, ऐसे कभी कोई नाम नहीं होते, फिर से बोलो आई एम, आई एम, अपने अपने नाम बोलो, फ्रॉम क्लास, फ्रॉम क्लास 12, अब ये कौन सी इसमें साइंस वाले हो, फिर से बोलो फ्रॉम क्लास, फ्रॉम क्लास 12 साइंस, 12 साइंस, फिर से बोलो फ्रॉम क्लास 12 साइंस, पक्का बोलो, टुडे, टुडे आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू, फिर से टुडे
आपका कोई बच्चा आया और भाषण दे रहा है, ठीक है शुरू करते हैं। बोलो ऑनरेबल प्रिंसिपल, ऑनरेबल प्रिंसिपल, रेस्पेक्टेड टीचर्स, रेस्पेक्टेड टीचर्स, ऑल माय डियर फ्रेंड्स, ऑल माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल ऑफ यू। आई एम अपना नाम फ्रॉम क्लास 12, फ्रॉम क्लास 12, साइंस, साइंस। टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर अ स्पीच, डिलीवर अ स्पीच ऑन द टॉपिक ऑफ, ऑन द टॉपिक ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। पक्का क्लियर तो चार लाइन इकट्ठी हो गई। अब सुनना, अब आगे की स्टोरी किसके बारे में सुनना, आगे जो टॉपिक आया ना उसके बारे में कम से कम आठ लाइन, कितनी लाइन, ज्यादा हो गई। जो एवरेज बच्चे हैं वो छह लाइन, कितनी, बाकी जो ज्यादा नंबर की आशा रखते हैं, जो 90 से ज्यादा की आशा रखते हैं वो आठ लाइन मिनिमम लिखना, कितनी, इसका कारण है सुनो। स्पीच अब बताओ स्टार्टिंग की चाल है, फिक्स दिखेगी, जो मैटर होता है ना मेन बॉडी वो बीच में आएगी, समझ आए मेरी बात, समझ आएगी नहीं आती, तो वो क्या है, वो आपको मैं अगर मान लो यहाँ पर 10 भी स्पीच बता दूं तो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि वो तो टॉपिक है, टीचर 100 भी सिखा दे वहां पर एग्जाम में 101 भी आएगी। तो जो मेन जो क्रैम करने की चीज है, रट्टा मारने की चीज है, वो स्टार्टिंग की चार लाइन थी, कौन सी थी, चार लाइन भाई। अभी तो जो बीच में जो लाइन आएगी वो कौन सी है, जो टॉपिक आया उसके बारे में लिखना है, डियर। तो आप मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है, पूरा यहाँ तक क्लियर है। अब बताओ इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, तुम क्या क्या लिखते हो, क्या क्या लिखते हो, एक एग्जाम्पल दिया है, इंपॉर्टेंस ऑफ टीचर, कोई मान लो ये ले लिया आपने चाइल्ड लेबर, एक बार आया हुआ अभी बाल मजदूरी, तो बताओ क्या लिखते हैं इसके बारे में, बाल मजदूरी नहीं होनी चाहिए, बाल श्रम, ये बाल श्रम लिखो हम तो भूल जाओ, बाल श्रम इंग्लिश में भारी पड़ता है, भारी पड़ता है कि नहीं पड़ता है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जो मैं रट्टा मारने वाली लाइन बता रहा हूँ उनमें गलती करनी ही नहीं है। फिर बात आती है टेंस की, किसकी आती है, अब जिसको अभी भी टेंस नहीं आते, किसको, कौन कौन से बच्चे जिनको टेंस नहीं आते, हाथ खड़े करो, डरना नहीं, बताओ जिनको, जिनको आते हैं वो हाथ खड़े करो, मैंने भी उल्टा पूछ लिया, टेंस जिनको आते हैं वो हाथ खड़े करो, वेरी गुड। आपका क्या नाम है, ठीक है, रविंद्र, बोलो रविंद्र, बोलो रविंद्र खेलता है, बोलो बैठे 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 बैठे, यू डोंट नीड टू मूव, रविंद्र प्ले, हां रविंद्र प्ले, रविंद्र प्ले, प्ले वेरी क्लियर, रविंद्र प्ले या रविंद्र प्लेस या रविंद्र इज प्लेइंग, रविंद्र प्ले, रविंद्र प्ले, प्ले देर वाज कागला यू वाज इन कागला, क्या रहा है दुनिया भर का फर्क है। और कौन सा वाला क्या ये बोलो, आपका नाम संदीप सिंह, संदीप सिंह, हाँ संदीप दौड़ता है, संदीप दौड़ता है, संदीप ब्रांड, संदीप ब्रांड, अब ध्यान देखो, देखो अंग्रेजी है भाषा है, कहीं से कहीं होना जाना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना, धीरे रखना, डियर ने बोला संदीप ब्रांड, बोला भी नहीं बोला, अब एक्चुअली मिस्टेक सुनना, ये सब्जेक्ट बताओ संदीप एक है कि बहुत सारे, तो नियम कहता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या है सिंगुलर, तो बोल रहे सिंगुलर है, हम बोल रहे सिंगुलर, सर दिमाग खराब है हमको बचपन में क्या सिखाया सिंगुलर, सिंगुलर मतलब सिंग, अरे वो गलत है, उसका प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग है, पहली बात तो प्रोनाउंसिएशन, ये भी सर गलत बोल रहे, प्रोनाउंसिएशन होता है ना वो भी गलत, प्रोनाउंसिएशन बोलो, कैसे बोलो, कैसे बोलो, और आप बोलो सिंगुलर, सिंगुलर, कैसे बोलो, सिंगुलर, अब बात सुन जाए, अब पूरी बात सुनना, संदीप वाले सिंगुलर है, तो डियर नियम कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या है सिंगुलर, तो वर्ब को भी सिंगुलर बनाओ, क्या बनाओ, और वर्ब सिंगुलर कैसे बनती है पता है, पर सर हम जब एस जोड़ रहे हैं तो वो क्या बन रहा है, एक वचन बन रहा है, ये क्या रामायण है, रामायण कोई नहीं है, समझो ये एक्शन है, क्या है वर्ब है, क्या है, अब देखो यहाँ पर बहुत सारी अंग्रेजी है, काली भाषा क्रेजी लैंग्वेज, अब बताओ मैं बोल रहा हूँ वर्ब है, क्या बोल रहा हूँ, अब बताओ क्या इसमें रह नहीं है, तो मैंने बोला वर्ब है, ज्यादा पंचायती में नहीं घुसने का, ये बात ध्यान रखना, पराई लैंग्वेज पराए लोगों से दूर रहने का, कितना काम है उतनी बात करनी, वर्ब है, क्या है, अब आपने सीखा ना, बताओ एक एग्जाम्पल के तौर पर, भाई तुम यहाँ पर कितने बजे तक हो, दो बजे तक हो ना, मैं दो बजे तक मुझे सेंड करोगे, मैं आपकी इतनी, आज जो बच्चा सीरियस होके बैठेगा 60 प्लस से कम आ जाए, 60 से नीचे तो मैं बनाना छोड़ दूंगा, लिख के दे दूंगा, 60 से नीचे आ जाए अगर मुझे ब्लाइंडली फॉलो करते हो तो,
वैसे ही कह रहा हूँ मैं जो कह रहा हूँ उसको फॉलो करना है। मैं जैसे बोल यहाँ पर ये लिखना तो वहां पर वही लिखना है। पंडा क्लियर है? जयश जय श्री नाम है, याद हो गया टोप का नाम है तो प्रवीण कौन था? हाँ प्रवीण, संदीप, रविंद्र है याद। तो आप तुम्हें मेरी बातें याद रखनी है, ठीक है? नेक्स्ट इज व्हाट? अब बताओ यहाँ पर अब ये क्या लिखा होगा, जल्दी बताओ क्या लिखा हुआ है। तो अब जरा मुझे बताओ, तुम तो साइंस वाले हो ना सब, ये तुमने वर्ड कहीं कहीं लिखा होगा, क्या लिखा बताओ? ये रेशनल थोड़ी है, ये तो नाटी नाल है। और सर ये तो नाटी नाल है, नहीं है ना, नहीं है ना। आपने इसको स्वीकार कर दिया कि ये जो टी आई ओ है इसको सब पढ़ना है, दिमाग में ना ध्यान। तो मैं यही कह रहा हूं, अंग्रेजी क्रेजी लैंग्वेज है, फनी लैंग्वेज है, इनडायरेक्टली वो तो पागल भाषा है, कोई इसके नियम वगैरह कोई ठिकाना नहीं है। तो जैसी बताए ना टीचर उसको वैसी फॉलो किया। समझ आई मेरी बात? यहाँ पर इसमें नहीं पूछना सर ऐसा यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, कानून में भी ऐसा ही है, कानून में आप ऐसा नहीं पूछ सकते कि सर ऐसा यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, उसको फॉलो किया जाता है। फंडा क्लियर है? पूरे व्हाट्सएप वगैरह कैसे बोलते, देखो क्या भाई इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे धैर्य पूर्वक और ध्यान पूर्वक सुनने के लिए। अब जो मैंने हिंदी बोली उसी के मैंने थोड़ी देर पहले इंग्लिश बोली थी, फिर से बोलो विद दिस आई कंप्लीट माय स्पीच, बोलो विद दिस आई फिनिश माय स्पीच। यहाँ अलग अलग कोई बच्चा सोचे सर मैं फिनिश, मैं तो फिनिश लिखू, लिखो पहले बोला अंग्रेजी में, जैसे बताओ आग होती है पर्यावरण से, बताओ भाई तुम्हारी हिंदी है है ना जेश, है ना हिंदी आग के पर्यावरण क्या आग अनल पावर धरती है ना, इसी जगह मुझे नहीं आता है ना, जल के लिए ना जल अनु नील है ना का भू भू तू बताओ ये भू असना मेरी बात। तो बताओ पर्यायवाची होते कि नहीं होते? तो वैसे के वैसे इंग्लिश में भी कई शब्द होते, तो आप फिनिश भी लिख सकते हो। बोला फिर से बोलो With this, I complete my speech. सुनना, complete की जगह कौन-कौन से शब्द तुम बोल सकते हो? जो बच्चे interested हैं यूज करने में, complete लिख सकते हो, finish लिख सकते हो, और सुनना एक बार, जो ज्यादा 90 के ऊपर वाले बच्चे जो खाई सकते हो आंकड़ा करो, 90 से ऊपर बच्चे, वो सुनना क्या लिखना मैं बताओ। देखो कभी भी है ना एग्जामिनर को अपनी कॉपी अलग शो करनी पड़ती है, क्या भाई देख मेरी कॉपी इनसे अलग है, वो सब साइड वाले थे पिंटे थे मेरी कॉपी अंदर, आराम से शांति से बैठ के चेक करो मेरा एक पेज, क्योंकि मैं 90 से अबव वाला और वो हर जीते हैं। समझा की बात? अब बताओ कंक्लूड क्या क्या हुआ है, फिर से बोलो। यहाँ पर कंक्लूड का मतलब होता है यहाँ जाके मैं अपनी स्पीच को फिनिश कर रहा हूँ, भारी भारी वर्ड है। अब बताओ मनोरंजन को क्या बोलते हैं? एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। अब बताओ एंटरटेनमेंट को और या 90 से अबव वाले बच्चे एंटरटेनमेंट को और क्या बोलते हैं? कोई तो होगा बच्चा, वेरी गुड, कौन कौन है एम्यूजमेंट वाले और क्या बोलते हैं? हमने चाहिए भाई और क्या बोलते हैं? इंजर, कैसी बात करते हैं इंजर, छोटे पिंटे को भी बता दो इंजर क्या कर रहे थे, इंजर 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 भरी बड़े रिक्रिएशन क्या बड़े। अब बताओ कहीं दूर दूर तक ये है दिमाग में, अरे मगर होगा होगा भी कैसे, क्रिएशन का मतलब बनाना, रिक्रिएशन वापस बनाना अंग्रेजी, रिक्रिएशन क्या कर रहे लिखे, वी आर डूइंग रिक्रिएशन। समझ में आ रही बात? अंग्रेजी है, स्वीकार करना पड़ेगा। जब कोई अटपटा शब्द लिखोगे क्योंकि वो तुम्हें अटपटा लग रहा है, दूसरों को अटपटा लग रहा है, जो टीचर चेक कर रहा है वो तो खोपड़ी है ना, वो तो होशियार ना, उनको पता ही है ना कि ये वर्ड है, तो वो फिर मान लेंगे कि ये बच्चा होशियार है, उसी हिसाब से कॉपी चेक होगी। हमेशा ध्यान रखना जो पहला कोई भी पेपर देने जाओ पहला सवाल जो शुरू करना ना वो ऐसा सवाल होना चाहिए कि जैसे वो आपकी जिंदगी की मतलब आप मतलब अभी वास्ते फोटो भेजो अब जरा सुनो जैसे अब याद है क्या और आगे कटरीना कैफ है मैडम आपके आगे सलमान खान है तो आप बताओ अगर वो रिश्ता कैंसिल हो गया जिंदगी खराब खराब मतलब भाई यार तो आप बताओ क्या होना चाहिए, जल्दी बताओ क्या होना चाहिए, पहला सवाल पहला फोटो कैसा होना चाहिए, फुल एडिटिंग वाला,
समझ आ रही है बात? भले दांत अपने पीले उसमें व्हाइट है, बाल अपने नहीं है फिर भी बाल है, फुट समझ आ रही है बात? एक नंबर तो बताओ, पहला सवाल आपको इतना शानदार होना चाहिए कि उसमें काट चाट की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, राइटिंग ऊपर नीचे नहीं, मतलब कहने का मतलब गलती की कोई गुंजाइश नहीं, सेकंड थॉट नहीं, बच्चों की गलती क्या, साला पहला लिखता है फिर सोचता है फिर बता रहे गलती हो गई, करना क्या चाहिए, पहले सोचो, पहले सोचो फिर उसके बारे में, आज तो दिमाग में बनाओ कि मैं ऐसे 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 लिखू फिर उसको लिखो, लेकिन अपने उल्टा हो रहा है, पहले लिखते हैं फिर सोचते हैं फिर क्या करते हैं फोटो उसी उसी कॉपी में, जैसे अपने सप्लीमेंट्री आती हो, सप्लीमेंट्री नहीं आती पता है, सप्लीमेंट्री नहीं मिलती तो कहाँ मिलती है, स्पेशल केस मिलती है, स्पेशल केस कोई फिजिक्स वगैरह ऐसे सब्जेक्ट इसमें तो बताओ, ट्वेल्थ में कहा आपने इंग्लिश में, इंग्लिश में कोई स्पेशल नहीं, एक बार ध्यान रखना सर बोले स्पेशल केस उनका सही बात है, इंग्लिश में हिंदी में गिन के आती है क्योंकि उनको पता है जो पेपर बनाने वाला उनको पता है कि भाई इतने में ही पूरी होगा, क्योंकि जो बाकी जो लिख के आ रहा है उसमें रुट्टे मार रहा है वो फालतू की कॉपी भर रहा है, तो ऐसी कॉपी कौन चेक करने बैठा है, इसलिए ध्यान रखना टू द पॉइंट आंसर लिखो, फिर से बोलो टू द पॉइंट का मतलब क्या था, जो रेलेवेंट है जो उस आंसर से संबंधित है उत्तर से वही चीज लिखो, उसके अलावा और कुछ भी नहीं लिखना है, पक्का क्लियर हुआ दिमाग में? तो अब बताओ स्पीच की अपन ने कितनी लाइन सीखी बताओ, मिनिमम सात लाइन, कितनी लाइन है तो बताओ, तुम्हें कितनी मदद करनी है अपनी, सात लाइन होगी, कितनी सात लाइन तुम्हें बनानी है, बना दोगे एक साथ में, और मॉर्निंग का वक्त है, कौन सा वक्त है सब साथ में बोलेंगे ठीक है, और अपन क्या बन के बोल रहे बताओ, स्टूडेंट बन के, तो बताओ टीचर्स अपने लिए टीचर्स हुए, स्टाफ तो नहीं है, ऑनरेबल प्रिंसिपल, रेस्पेक्टेड टीचर्स, और माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आई एम फ्रॉम क्लास 12 साइंस, टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर अ स्पीच ऑन द टॉपिक ऑफ, जो भी टॉपिक आया है उसको क्या करोगे पता है, 6699 में क्लोज करके वहां पर लिख दोगे, पक्का क्लियर है, उसके बारे में कितनी लाइनें लिखोगे, मिनिमम आठ, कितनी, जो 90 के अबव जाना चाहते हैं वो मिनिमम आठ से, आठ तो लाइनें होनी ही चाहिए ठीक है डियर, क्लियर दिमाग में, आठ लाइन, आठ लाइनों में लिखना ही है, अब लिखा क्या जाता है वो सुनो, वो टॉपिक क्या है उसके बारे में नॉर्मल एक परिभाषा दे दो, फिर उसके अगर मान लो आप बता दो टीवी आई टीवी के दूसरे टेलीविजन होता है तो उसमें क्या लिखोगे, खाली दुष्प्रभाव नहीं है, पॉजिटिव चीजें भी होती है, फायदे लिखो नुकसान लिखो, फिर उनसे बचने के उपाय, तीन स्टेप पे कोई भी चीज किया करो, कोई भी टॉपिक आ जाए कोशिश किया करो, मान लो डिसिप्लिन आ जाए तो डिसिप्लिन के नुकसान नाम की कोई चीज है नहीं, डिसिप्लिन में फायदे ही फायदे, तो डिसिप्लिन में क्या लिखोगे, डिसिप्लिन के फायदे क्या होते हैं विद्यार्थी जीवन में, और फिर क्या लिखोगे किस प्रकार से अरे विद्यार्थी को डिसिप्लिन में रहना चाहिए तो वो जिंदगी में आगे बढ़ेगा, यहाँ तो क्लियर है, नेक्स्ट अब लास्ट वाली लाइन पे आ दो, फिर से बोलो विद दिस आई कंप्लीट माय स्पीच, विद दिस I finish my speech. With this, I conclude my speech. Thank you very much for listening me very carefully and patiently. अब यहाँ तक सुनना, यहाँ तक पूरे हुए सात नंबर में से तीन नंबर, कितने नंबर? चार नंबर की मेहनत तुम्हारी है, ध्यान देना कैसे? ये तीन नंबर अगर इतना भी लिख के आते तो कोई नंबर मिलने वाले नहीं है, कारण तुमने तो खाली रट्टा वाला लिख के आया, जो टॉपिक आया उसके बारे में कुछ लिखा ही है, उसके बारे में तो तुम्हें ही लिखना है, पॉइंट क्लियर हुआ? दूसरी बार याद क्लियर है, अब एक बार टीचर बन जाते, टीचर बन जाए बराबर, तो बताओ टीचर की जगह क्या हो जाएगा, स्टाफ, और बताओ बच्चे अपने क्या बन जाएंगे, स्टूडेंट, पक्का क्लियर है, आगे बढ़ू मैं, और फिर लास्ट में बताया बोला था मैंने विद दिस आई कंप्लीट माय स्पीच, अब बताओ टीचर क्या आशीर्वाद भी देता है कि नहीं, जैसे मान लो अपने सर जब तुम्हारा फेयरवेल होगा तो क्या बोलेंगे बच्चों को, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर बोलेंगे, पक्का क्लियर है, तो अब रेडी हो, फिर से बोलो ऑनरेबल प्रिंसिपल, रेस्पेक्टेड गेस्ट एंड माय स्टाफ एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब मान लो पूरन जी सर क्या बोलेंगे बताओ, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आई एम पूरनकर क्लास टीचर ऑफ 12 पक्का क्लियर हुआ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा उनकी डेजिग्नेशन, उनका जो आधिकारिक पद है वो आ जाएगा, तो मैं क्लास टीचर हूँ, क्या हूँ, फिर से बोलो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आई एम पूरनकर क्लास टीचर,
टीचर हो, मैथ टीचर हो, ट्वेल्थ साइंस, ट्वेल्थ साइंस, पक्का क्लियर हुआ? आप बताओ यहाँ क्या चीज आया, समझ आ गया होगा बच्चों को? बता दे, मैं लिखूंगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है? हाँ बोलो, नेक्स्ट, टुडे आई एम गोइंग टू, टुडे आई एम गोइंग टू, से समथिंग अबाउट, से समथिंग अबाउट, यहाँ पर वो सर खालिद ने चेंज किया है, गौर कर रहे हो? यहाँ पर सर कोई बच्चा बोले सर मैं ऐसे लिखूंगा, टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर अ स्पीच ऑन, लिख सकते हो, ये तो अपने अपने दिमाग की खेती है, मैं लिखवाऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है? फिर से बोलो, टुडे आई एम गोइंग टू, टुडे आई एम गोइंग टू, से समथिंग अबाउट, से समथिंग अबाउट, जो टॉपिक आया है वो टॉपिक लिख दो, फिर उसके बारे में सर भी कुछ बोलेंगे। नेक्स्ट बोलो, विद दिस, विद दिस आई कंक्लूड माय स्पीच, आई कंक्लूड माय स्पीच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, फॉर लिसनिंग मी वेरी केयरफुली, वेरी केयरफुली एंड रिसेंटली, एंड रिसेंटली एंड ऑल द वेरी बेस्ट, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर, फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर। पक्का क्लियर हुआ? ये लाइन मैंने आज ही ऐड की है, ये मैंने बोला एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, ये लास्ट वाला लेक्चर में मैंने कभी नहीं YouTube पे भी नहीं है, यहां तक क्लियर हुआ? पक्का पक्का दिमाग बैठा? कुछ भी समझ में नहीं आया डायरेक्टली टू आस्क, ओके, पूछना, ऐसे ही मत छापना, जो समझ में आया मुझे पूछना, ठीक है? तो माहौल के हिसाब से नहीं कि तीनों लिख दो वहां पर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, भाषा आ जाता रहो, ऐसे नहीं करना है। नेक्स्ट सुनो, इंपॉर्टेंट बात देखो, आपने हिंदी में ऐसे सीखा होगा 66 सेंटीमीटर, याद है? कॉमा, इनको कभी ऐसे ऐसे नहीं करना ढंग से, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ऐसा ही किया करो, सात नंबर, एक एक नंबर मैटर करता है, ढंग से लिखने का है, पॉइंट क्लियर हुआ? ऐसे ही बनाने का है, यू आराम से प्रैक्टिस करनी है, ये देखो ये बन गया, कोई तो थोड़ी है बन गया ना, बस यू नहीं करनी, ऐसे रखते नहीं करनी। ये आज तो मैं एक दिन में जब जोश चढ़ेगा ठीक है, कल एग्जाम जाएगा ठीक, कल ये ना इंग्लिश का इसका जोश उतना नहीं चाहिए, अब आपके इंग्लिश के एग्जाम तक मैं रोज वीडियो डालूंगा, कैसे एग्जाम देना है, कौन कौन से टॉपिक है, सारी डिटेल्स डालूंगा, समझ आई मेरी बात? अभी भी वहां पर रिपोर्ट, नोटिस, इनविटेशन सब ऑनलाइन पड़े हुए यूट्यूब पे है, बकायदा काम लेना ना, बस इतनी मेहरबानी कर दो, मैं फिर देखो अपनी कॉपी अलग ही दिखेगी, दिख के दे रहा हूँ, गारंटी है, मैं देखना, जिसने मेरे को फॉलो किया वो देखना, उनके मिनिमम डियर सात लाइन तो बन रही होगी, देखना बिना तुम्हारे कॉपी के आसपास आए हुए मैं बता सकता हूँ, सात लाइने बन रही है, ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने भी बन रही है। Thank you.